शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें बेस्ट फ्रेंड हो। अब रो मत, आपकी जो स्माइल है ना वो मेरे मोटो भैया की लाइफ की स्कूटी है। मैंने आ रही आपके पास, मैंने ताप को आवाज लगाई थी, आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूं, प्रॉमिस। तू जब भी बुलाएगी ना मैं दौड़ता हुआ कहीं से भी आ जाऊं तेरे। अरे क्यों परेशान हो रही है, तेरे ही संभाल लेने गए थे। इसमें तुम्हारे दादाजी का शॉल और वो एल्बम है जिसमें तुमने अपनी फैमिली की कार्टून बनाए थे, इन्हें तुम अपने पास रखोगे ना तो तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि तुम हमसे दूर हो। और हाँ, इसमें वो छिपकली वाली पिन भी है जिससे तुम हम सबको डराया करते। मुझे सर मेरे पापा जी, गायत्री जी। माँ जी, हम अभी देखते हैं। भाई साहब, इस सामान को यहीं रहने दीजिए। हमें लगता है कि जब तक ये इसे छोड़ेगी नहीं, अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाएगी। सुनीता भाभी, विदाई की तैयारी कीजिए।
क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? सुनीता, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर नेहा टाइम से नहीं आती तो तुम आकांक्षा की शादी अमन से कर देती। लेकिन मैं करती भी क्या, इतने मेहमान आ चुके थे, नेहा की कोई खबर नहीं थी और माँ जी ने कहा कि बारात वापस लौट जाएगी। हाँ तो लौट जाती बारात। तुमने ये तो सोच लिया कि अक्कू की शादी अमन से हो जाती, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर वो शादी हो जाती तो क्या होता। अरे नेहा को क्या मुंह दिखाती तुम? और आकांक्षा, उसको तुमने मजबूर किया, सबके सामने शर्मिंदा हुई बेचारी, वो अच्छा लगा तुम्हें? मैं बहुत दबाव में थी। अरे कुछ भी हो सुनीता, बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने? अरे आनंद, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? कामनी जी को तो तुम जानते ही हो। तो हमारी बच्ची कुछ नहीं है माँ। अरे तुम ये क्यों सोच रहे हो कि क्या होता? हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि सही समय पे उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। तुमने एक बार भी सोचा सुनीता के बारे में कि उस पर क्या बीत रही होगी? भगवान ना करे ऐसा दिन किसी माँ को दोबारा देखना पड़े। कई बार डर भी लगता है कि उनके इतने खिलाफ होने के बावजूद हमने नेहा को उनके घर में विदा कर दिया। पता नहीं कैसे संभालेगी नेहा सब कुछ। आनंद, नेहा के साथ अमन है, वो संभालेगा उसे। एक बात कहूं तुमसे, तुम्हें अमन जैसा दामाद नहीं मिल सकता नेहा के लिए। हाँ माँ, बस उसी के भरोसे पे तो विदा किया है नेहा को। हाँ आनंद, गायत्री तो है, वो सब कुछ संभालेगी, लेकिन मुझे चिंता सिर्फ एक बात की है। आज वो बहुत नाराज थी नेहा से। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। पता नहीं वहां जाने के बाद क्या होगा। नहीं नहीं माँ, गायत्री भाभी नेहा को बहुत अच्छे से समझती। अब देखिए ना, माँ जी ने कितना कान भरा भाभी का, लेकिन उन्होंने नेहा और अमन की शादी करवा दी। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे गायत्री भाभी का बहुत स्नेह है नेहा पे। आज सब गुस्से में है, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं जाकर मिल लूंगी और उनसे माफी भी मांग लूंगी। मुझे लगता है हमें नेहा को एक बात समझाना पड़ेगा। मैके में वो जो भी गलती करती थी हम हंसकर टाल देते थे, लेकिन ऐसे ससुराल में नहीं होगा। वो लोग हर वक्त उस पर नजर रखेंगे, उसे तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हे भगवान, मेरी बेटी के सर पे सदा अपना हाथ रखना, उसका ख्याल रखना। आओ नेहा, इस कलश को अंदर की तरफ गिरा के गृह प्रवेश कर। नेहा रुको, दाहिने पैर से। भाभी आराम से, बॉल नहीं कलश है। सॉरी। एक एक बात के लिए इतना टोकना पड़ेगा तो कैसे होगा नेहा? आराम से, प्यार से प्रवेश करो। अमन, अंदर आओ। सबसे पहले बहू के हाथ से मंदिर में दिया जलवाएंगे। नेहा, आराम से। जी। करो नेहा। जी।
जाओ सबको आरती दो और आशीर्वाद दे। नेहा, मैंने क्या किया? पहले अमन से आशीर्वाद लो। अच्छा, आशीर्वाद दो अमन। खुश हो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है नेहा? पति है तुम्हारा, और इस तरह बात बात पे खीखी करना अच्छे घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। जी। चलो, अब गायत्री भी सास बन गई। सदा सुहागवती रहो। ऐसे कैसे अकड़ के झुक रही हो? झुकना सीखो, तभी तो ढंग से पैर छू सकोगी। सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। खूब खुश रहो बेटा, आयुष्मती भव, मतलब भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारे मन में धीरज दे, शांति दे, सबकी सेवा करो और सबका मन जीतो। हाँ दासी, आग। क्या? अरे माजी, माजी, आप ठीक तो है ना? कहीं जली नहीं है? शुक्र है बच गए। नेहा, तुमने ये क्या किया? आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस आशीर्वाद ले रही थी। मैंने आग नहीं, अमन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आशीर्वाद ले रही थी। तो का ये अपने आप ही लग गई? अरे नहीं बॉसी जी, मैंने देखा वो पल्लू में आग दिए से लगी थी, गलती से हो गया। हाँ हाँ, ई के साथ सब कुछ तो गलती से ही होवत है। अरे स्कूल भी तो गलती से ही चली गई थी। इतनी महंगी साड़ी जल गई, पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी। मन भर के पहन भी नहीं पाए थे। सॉरी आंटी जी। हर बात पे सॉरी बोलना बंद करो नेहा, बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो गई। हर काम को मन लगा के किया करो और जो बोलो सोच समझ के बोला करो। जी। इस तरह की लापरवाही हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी नादानियों पे हमेशा पर्दा डाला, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है नेहा, तुम्हें यहाँ आकर हमारे कायदे कानून अपनाने होंगे, समझी तुम? जी। जाओ जाके दादी जी से माफी मांगो। आज तो फिर से डांट पिटेगी। लो आ गई बहुरिया फिर से माफी मांगने। सॉरी दादी जी, मैंने आपकी इतनी प्रिटी साड़ी खराब कर दी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अब कोई मिस्टेक नहीं करूंगी, मैं पूरे ध्यान से जो करूंगी वो करूंगी, और आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कब जली हुई साड़ी ठीक हो जाएगी तुम्हारी माफी से? अरे वाह, चुप कर। मारे बाप। हम जानते हैं बेटा, तुमने कुछ जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, अच्छा हुआ सो हुआ। हाँ, हमारी साड़ी चलने से अगर तुम्हारी अक्ल ठीक हो गई तो हमें कोई शिकायत नहीं है भाई। थोड़ा ध्यान रखा करो, इस घर की बहू हो तुम, नई शुरुआत कर रही हो, संभाल के काम किया करो, ठीक है? चल, अब तुम जाके आराम करो, हम भी थक गए हैं। आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, कर दिया, जा। कसम, मुझे डांटा भी नहीं, माफ कर दिया। जाओ, तुम भी जाके सो जाओ, कल तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है। कल तुम्हारी चौका चढ़ाई की रस्म है, जिसमें तुम्हें सबके लिए मीठा बनाना होगा, ठीक है? कल? मतलब? मैं बना लूंगी आंटी। आंटी नहीं, माँ कहो।
अमन भी मुझे माँ कहता है, इसलिए तुम भी माँ कहो। नीता, अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाओ। आइए। अमन बेटा, तुम भी थक गए हो, जाकर सो जाओ। थैंक यू माँ, आपने इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये शादी होने दी। थैंक यू सो मच। सो जाओ। सॉरी, मैंने ना गुस्से में वो लेटर लिखा था। मैं जब भी गुस्से में होती हूँ तो मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देती हूँ और फिर मेरा गुस्सा ओवर हो जाता है। अच्छा, तो तुमने गुस्से में सब पे बाउंसर डाल दिया। ऐसा नहीं करते। I know, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अब जो गया वो गया, हम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत, क्योंकि हम साथ में है ना। मैं जानता हूँ कि हर कोई तुमसे बहुत एक्सपेक्ट करेगा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल भी होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत ब्रेव स्ट्रॉन्ग गर्ल। अगर तुम पूरी तरह से कोशिश करोगी तो सब मैनेज हो जाएगा, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे कितना सपोर्ट करते हो, थैंक यू। इसमें थैंक यू कैसे? हाँ, मैं पता, मेरी दीदा ने क्या बोला। ये दीदा बोल रही थी किसी की बुरी नजर थी हमारी शादी पे, तो उस मुसीबत से टल गई। अच्छा, एक काम करना, कल सुबह उठकर जबरदस्त सा एक स्वीट बना देना सबके लिए, खिला दे, ठीक? हाँ। क्या वो बना लोगी ना? हाँ, मैं खीर, मैं मूंग दाल का हलवा बनाऊँ, दादी जी का फेवरेट। हलवा तुम बनाओगी? हाँ हाँ, बिल्कुल बना लूंगी, इतना अच्छा बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाट, तुम भी उंगलियां चाटते रह जाओगे। बस मैं सभी दीदा को फोन करके पूछ लूंगी कि हलवा कैसे बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनाती है ना। अच्छा ठीक, कल बहुत काम है, जाके सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ना तुम्हारा रूम ना बहुत डल है, एकदम बोर है। अब नहीं, क्योंकि अब तुम आ गई हो तो ये सब कुछ कलरफुल हो गया। तुम जानती हो, जब पहले मैं यहाँ अकेला था ना तो लाइफ बहुत बोरिंग थी, लेकिन अब I'm really happy, क्योंकि तुम हो। अब तुम आ गई हो तो इस कमरे को अपने जैसा बना। मुझे खिड़की से कूद के आना नहीं पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा जब मन चाहे मैं तुमसे मिल सकती हूँ। I can't believe it, अमन, कि तुम्हारी मेरी शादी होगी। आज तक मैं क्यों था रुका, जो तू साथ है तो मैं है के पिसा।
आज एक नई सुबह हुई है तुम्हारी जिंदगी की और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाओगी। दीदा मुझे कल बहुत बड़ी गड़बड़ होगी ना। अरे कल जो हो गया सो हो गया। नेहा एक बात का ख्याल रखना, उस घर में जितने भी लोग हैं ना वो तुमसे बड़े हैं। जी। और तुम्हें जो कुछ भी वो सिखाए बड़े ध्यान से सीखना। अच्छा दीदा मैं सब समझ गई, आप प्लीज मुझे फटाफट ना अपनी वो रेसिपी बता दो मूंग दाल के हलवे की, आप बहुत टेस्टी बनाते हो। हाँ हाँ लेकिन हाँ एक मिनट। हाँ अब कौन सा? थैंक यू दीदा, लव यू दीदा, मिस यू दीदा, बाय। इलायची शक्कर तो मुझे बाहर से लाने पड़ेंगे, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? नहीं यमन के पैसे, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ये मेरे नहीं हमारे पैसे। तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ना सामान लाना। सामान? कौन सा सामान लाना? इलायची शक्कर। लेकिन ये सब तो घर में है। हाँ सबके चाय बनाओ। अभी दूध नहीं आया होगा और दादी जी ताजे दूध की चाय पीती है। तो मैं दूध ले आऊं बाहर से? तुम क्यों जाओगी, माँ जाती है ना। हाँ तो लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना तो मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो मुझे जाके दूध लाना चाहिए। देखो तुम नहीं दुल्हन, तुम्हारी अभी मुंह दिखाई भी नहीं हुई, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं घूंघट डाल के चली जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर जाना इतना जरूरी है तो मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं तुम क्यों जाओगे, दिस इज वेरी बैड। जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो तुम मुझे कुछ करने नहीं देते, ऐसे मैं सीखूंगी कैसे? और वैसे भी शॉप भारी तो है, मैं फटाक से ले आऊंगी। तुम देर बैठ, तुम नहा लो, मैं फटाफट दूध लेके आऊंगी। अरे नेहा अंकल मुझे दूध लेना है। चल चल। अरे अंकल मुझे दूध लेना है। मैंने बोला ना चल साइड में खड़ा हो जा। अरे अंकल प्लीज मुझे दूध लेना है। अरे क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है, चल ना। अरे अंकल मुझे दूध लेना है। चल ना। जी क्या कर रहे हैं आप, धक्का नहीं दे रहे ऐसे? ये लड़का इतने देर से खड़ा हुआ है लाइन में, आपसे दूध मांग रहा है, आप सुन ही नहीं रहे? जस्ट बिकॉज आपके पास दो पैर है तो आप उसका इस्तेमाल धक्का मारने के लिए करेंगे? ये ले पैसे, आ जाते हैं सुबह सुबह मांगने। खारी नहीं है ये, पैसे हैं इसके पास, दूध लेने आया ये, अपने पैसे अपने पास रखिए। अब मुझे क्या पता कि ये क्या है, मुझे लगा कि कोई अपाहिज है इसीलिए तो मैंने। अपाहिज है तो क्या मतलब, इतनी देर से लड़का लाइन में लगा हुआ है, आपसे दूध मांग रहा है, आपको सुनाई नहीं देता। कान आपके पास है आपको सुनाई नहीं देता, आंखें आपके पास है आपको दिखाई नहीं देता, तो अपाहिज कौन हुआ अंकल? आपके सीने में दिल है लेकिन आपको दूसरों के लिए तो फील ही नहीं होता, तो अपाहिज कौन हुआ? सॉरी मैडम मुझे नहीं पता। बेटा क्या चाहिए तुमको? अंकल मुझे दूध चाहिए 1 लीटर। इसे वही चाहिए जो सबको चाहिए, रिस्पेक्ट, दया मत दिखाइए इस पे। ये लो। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। और याद रखना अगली बार कोई ऐसे बिहेव करे ना तो उसके पास सब कुछ है लेकिन इंसानियत नहीं है, और ऐसे लोग ना सबसे ज्यादा बेचारे होते हैं। ओके थैंक यू दीदी। सॉरी मैडम गलती हो गई, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 1 लीटर दूध दीजिए। ये सुबह सुबह रसोई में कौन है? उठ गई नेहा? गुड मॉर्निंग। बस बस बेटा इतनी सुबह सुबह उठने में तुम्हें तकलीफ तो हुई होगी, वैसे हमें ये उम्मीद थी नहीं। क्या बना रही हो मीठे में? मूंग दाल का हलवा, दादी जी का फेवरेट। मूंग दाल का हलवा? इतनी मुश्किल चीज बनाने की जरूरत नहीं है नेहा, कोई साधारण सी चीज बना लो। नहीं मैं बना लूंगी, मुझे आता है, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। कढ़ाई कहाँ है? मारकी। जी दे रहा हूँ बेटा। आई अखबार में कोई चुटकुला पढ़ लिया क्या, जो इतना मुस्कुरा रहे हो? हैं? नहीं दादी जी ऐसे ही। वाह रे वाह,
बोगरिया कहीं दिखाई नहीं देते, नींद से जागी नहीं है क्या? वैसे भी बच्चों को नींद बहुत आवत है। मौसी नेहा सुबह से किचन में, वो मीठा खिलाने की रस्म है इसे। मीठा खीर वीर बना रही होगी? मूंग दाल का हलवा बना रही है मौसी। दया रे दया। क्या हुआ मौसी? कछु नहीं। दादी जी, वो नेहा को याद था कि आपको मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए खास आपके लिए बना रही। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, मन लगा के बनाएगी तो अच्छा ही बनाएगी, देखना आज उसे ऐसा नेक देंगे कि खुश हो जाएगी। चाचेंती, बहुरानी को कोई मदद चाहिए हो तो देखना, जा। और बन जाए तो बता देना नेहा। हाँ। सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा, और बनाते बनाते चखना मत, क्योंकि भगवान को झूठा भोग नहीं लगाते। जल्दी कर। वारे वाह, आज तो नेहा सबका दिल जीत ही लई है। हाँ। बन गया हलवा? नहीं, बस तैयारी हो रही है। कछु मदद चाहिए? नहीं नहीं, मैं कर लूँ। थैंक यू। सेठानी ने हमका भेजा है तुहार मदद के लिए। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। चलो फिर। अरे एक बात ध्यान रखना। हाँ। पीसी हुई चीनी डालना। हाँ। मोटी शक्कर है ना। हाँ। वो जल्दी से घुलत नहीं है। हाँ, मुझे चीनी कहाँ रखी है? वो अच्छा, कौन सा वाला? वो वाला। ये तो पिसी हुई चीनी रखी हुई है, एकदम नमक जैसी लग रही है। ना बाबा ना, शक्कर है, नमक तो हम बदनी में रखते है। मैं बस चेक कर लेती हूँ, है ना? चीनी है, है ना? थोड़ा सा पानी और डाल दो। नहीं नहीं, और नहीं, बस बहुत है। अरे डाल देते हैं। अब हम चलते हैं। हाँ। कछु मदद चाहिए तो हम का बुलाई लेना। जी, थैंक यू मौसी। रमन क्या हेल्प करेगा मेरी? अब मैं क्या करूं? क्या बोला था दीदा ने? घी में 200 ग्राम घी में मोटा पिसा हुआ। अरे ये बोरिया जिद्दी के साथ भोग चढ़ावत है। पता है, ऐसे में समय लग जाता है। अमन, तुम्हारी मम्मी खूब खुश हो रही होंगी, भगवान का धन्यवाद कर रही होंगी कि बहू ने चौका संभाल लिया। हाँ। जी माँ जी, नेहा ने आज अपनी रसोई संभाल ली। इस रस्म के पीछे सोच ये होती है कि बहू घर में आए तो सबके जीवन में मिठास भर जाए, मीठी बातें हो, मीठा व्यवहार हो, इसीलिए शुरुआत मीठे से की जाती है। नेहा, सबको परोसो। हमें नहीं, पहले गायत्री को, वो तुम्हारी सास है, और फिर अपने पति को, उसके बाद हमें। हाँ।
ये लीजिए। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। गायत्री चख के बताओ, बढ़िया नंबरों में पास हुई ना बहू? जी माँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? अमन देखो तो हलवे में ऐसा क्या है? रुक जाओ अमन, नमक है इसमें। नमक नहीं, मैं नमक नहीं, मैंने तो पिसी हुई चीनी डाली है। आरिशो नेहा? हाँ मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। बहस क्यों कर रही हो नेहा? नमक है इसीलिए तो कह रहे हैं कि नमक डाला। चखो तुम, चखो। बहुत नमक है, पता नहीं कैसे आ गया। कैसे आ गया मतलब? नेहा डाला होगा तभी तो हुआ है ना। हमने कहा था कि हम तुम्हारी मदद कर देते, लेकिन ना तुम्हें खुद ही सब कुछ अकेले करना था। जैसे सब कुछ जानती, नेहा खाना बनाना इतना आसान काम नहीं है कि चम्मच घुमाया सब कुछ हो गया। किसी से पूछ लेने में कोई बुराई नहीं। हम जानते थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। सॉरी माँ, मैंने नमक नहीं डाला था, मैंने चीनी डाली थी, है ना मासी? बाबे बाप, हम खुद सब कुछ बता के आए रहे हैं, उसके बाद कहाँ डाला कहाँ पता? दिमाग एक जगह पर कहाँ टिकत है इका? बच्चों को ये तो होता है। नेहा तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुमने तो रेसिपी को देख के बनाया था ना? हाँ मैंने सब नाप के डाला है, मैंने मुझे नहीं पता कैसे नमक डाल लिया। लो रिश्तों की शुरुआत ही नमकीन हो गई। ये तो अब सुकून है। रस्में मजाक नहीं होती है नेहा, समझाया था ना तुम्हें, तो ध्यान रखा करो। बस करो गायत्री, रहने दो, गुस्सा थूक दो। अरे हमें तो नेहा से इतनी भी उम्मीद नहीं थी, अब जो बना के ले आई ठीक है। अरे भाई नई रसोई नए बर्तन, बेचारी को क्या पता कहाँ क्या रखा है, जो सामने मिला डाल दिया। लेकिन दादी जी मैंने नमक नहीं डाला। अब और बहस मत करो बेटा, गलती तुम्हारी है भी और नहीं भी है, अब बात को खत्म करो। चलो ले लो नई, इतना तो बनता ही है, बड़ी बहू हो। बहू के पैर घर में जमने में हम ही मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा गायत्री? है चल ले लो बेटा। ये लो नेहा। से रोते नहीं, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब तू देख, ऐसे ही तुझे अपने दिल के पास रखकर वैसे तुझे सबसे दूर करते हैं। अरे वाह, बड़े दिल वाली हो सेठानी। जाओ बेटा, अब कमरे में जाके आराम करो। सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जाओ बेटा अब आराम करो। अमन इसे ले जाओ। जयंती तू अपनी नेक हमारे कमरे में आके ले जा। असली मेहनत तो तूने की है आज। सेठानी आ जयंती।
ये देख, तुझे हमारा ये हार बहुत पसंद था ना, ले ये तू ही रख ले। हमारे पास इतनी, ये हार तो बहुत महंगा है। और ये ले, ये साड़ियां असली जरी की हैं, लेने भी रख ले, पहनना। और ये ले अपना नेक। हाय सेठानी, इतना सब कुछ एक दिन में काहे? पता नहीं जयंती, आज हमारा दिल बहुत खुश है। ये शादी जब हुई थी तब सबके सामने हमारी हार हुई थी, लेकिन आज से हम अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर रहे हैं। सिर्फ 10 दिन, बस 10 दिनों में ये लड़की हमारे घर के बाहर होगी। ये पागल अपने आप हमारा घर छोड़ के भाग जाएगी, सब कुछ भूल भाल के ऐसे भागेगी कि जिंदगी भर पलट के नहीं आएगी। बस तू वो करती जाना जयंती जो हम तुझे कहते जाएं। बस 10 दिन में? हाँ, आज से नेहा की इस घर में उल्टी गिनती शुरू। नेहा, अब एक बात को लेकर बार बार क्यों सोच रही है? बार बार सोचने से कोई चीजें बदल तो नहीं जाएंगी ना? अमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छी खासी शक्कर नमक कैसे बन गई। मैंने खुद टेस्ट किया था, जयंती मौसी खड़ी हुई थी उनके सामने टेस्ट किया था, उन्होंने बोला था कि ये शक्कर है, ये नमक है, पर नमक कैसे डल गया हलवे में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। नेहा, हो जाता है। आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अमन बा के दादी जी ने भेजा है और कहा है कि हलवा नमकीन हुई गई तो ये का मतलब ये तो नहीं कि मुंह मिठाई ना किया जाए। ये लड्डू तुम दोनों के लिए। मौसी जी, ये बेसन के लड्डू? हाँ, खाओ खाओ। मौसी जी, आप जानती हैं मुझे बेसन के लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं। भारी बा, एक खा लेने से कहाँ आफत आ जाइए। मत खाना, हम तुमको बर्फी ला के देते हैं, वो खा के मुंह मीठा कर ले। नेहा, तुम खा लो। थैंक यू। तो हर गलती माफ कर दी आज? अरे बा, हमका तो लागत रहे कि बहुत गुस्सा करिए। देखना, अब आज कोई नई नाटक मत करना। आज मुंह दिखाई है सबके सामने, अपने घर की इज्जत रख लेना। लड्डू खाओ। थैंक यू। और जल्दी से तैयार हो जा। हा? ठीक बनी है ना? हमने चीनी डाली थी, कहीं नमकीन तो नहीं हुई गई? मैंने भी चीनी डाली थी, मैं नमक नहीं डाला था। नया, गलती हो जाती। अब नमक और पिसी शक्कर के बीच में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों बर्तन एक जैसे होंगे, गलती होगी होगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात। और वैसे भी आज मुंह दिखाई, दादी जी भी तुमसे नाराज नहीं। अब ये फंक्शन अच्छे से हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जो जैसे कहे वैसे कर लेना, ठीक है? नेहा जी। नेहा बेटा, तुमने अपने कपड़े सब तैयार कर लिए ना? हाँ, बस मैं निकाल ही रही हूँ। नेहा, सब कुछ समय पे तैयार कर लिया करो। जी। शादी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज सब पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार आएंगे, उनके सामने कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जी माँ, मेरा घर पर रहना जरूरी? नहीं बेटा, इस रस्म में तो केवल औरतें ही होती हैं। तुम कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मुझे कुछ जरूरी बिल्स पे करने हैं, तो मैं बस वो पे करके आ। ठीक है बेटा। नेहा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नीता को भेजती। जी जी। अमन, मैं कौन सा पहनूं? ये वाला, ये वाला, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हें जो पसंद। नहीं ना, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अच्छा ये लो। हाँ, मेरा ही रिंगटोन था। अच्छा मैं चलता हूँ अभी, आप तब तक तुम एंजॉय करना, ठीक है? और जो भी होगा सही हो, ठीक है? तुम तैयार हो गए? जी मैम। सुबह से राह देख रही हूँ, एक नजर अपनी बच्ची को देख लूँ, पता नहीं वो कैसी होगी, सब मैनेज हो रहा होगा कि नहीं। अच्छा हुआ समदन जी ने हम सबको भी इनवाइट कर लिया, यहाँ खुश हो जाएगी हम लोग को देखकर। अच्छा मम्मी, मैंने ना मिठाई वगैरह सब रखवा ली है, और कुछ रखना है?
नहीं बेटा बस चलो अब जाते। मम्मी कहाँ है? सुनीता आप आ गई, चलिए। सुनीता हम थोड़ा रुक कर जाते हैं, वो क्या है ना, नेहा उस घर की बहू है और हमें इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए उसके ससुराल वालों के साथ घुल मिलने का। मुझे ऐसा लगता है कि मेहमानों को आने दो, रस्म शुरू होने दो, उसके बाद हम चलते हैं, वरना वो हमें देखकर उसका दिल करेगा कि हमारे पास आकर बैठे, हमारे साथ रहे, और हो सकता है वो जज्बाती भी हो सकती है, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है मम्मी, मुंह दिखाई हो जाए उसके बाद ही हम जाकर उसे मिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नेहा ने लड्डू खा लिया? हमारी आंखों के सामने गपड़ गपड़ खा ली। अब शिवजी का प्रसाद जोर दिखाइए, देखना भांग के नशे में बहुरिया कैसन कैसन उछल कूद मचाई। अमर ने तो नहीं खाया? हाँ कहीं लेने के देने पड़ जाए। अरे शुरू से ही बबुआ बेसन के लड्डू से नाक भूसी खुलते हैं, आज भी हाथ नहीं लगाया। ज्यादा खुश मत हो, लोगों को शक हो जाएगा। चुप से बैठ, हमने जो करना था कर दिया, बाकी नेहा करेगी। चल अरे कहाँ रह गई माजी बहू आपकी, कब तक छिपा के रखोगे? ना शादी में चेहरा देख पाए और ना आज। हाय अगर पहले ही चेहरा देख लेती तो हमारी मुंह दिखाई की रस्म बेकार ना हो जाती। अब जी भर के देखना भी और जी भर के नेक भी देना। हाँ शादी में खूब तमाशा किया था इनकी बहू ने। अरे गायत्री बहन कहाँ है बहू? लीजिए आ गई। नेहा तुम ठीक तो हो? माफ कीजिएगा वो घूंघट में दिखाई नहीं देता ना इसलिए। नेहा बैठ जाओ। पानी मुझे प्यास लगी है। वैसे काफी घुल मिल गई है आपकी बहू आते, दूसरी दुल्हन की तरह शर्मा शर्मी नहीं है। नेहा सीधे तरीके से बैठ, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। आप आइए रस्म शुरू करते हैं। नजर न लग जाए चांसी बहू को गायत्री बहन। एक मिनट पानी पी लो। बड़ी निराली बहू है। आजकल के बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हैं तो फिर लड़कियां क्यों शर्माए ल जाए। हाँ गायत्री बहन कैसी अजीब सी बहू लाई हो आप। नेहा हंसना बंद करो। यहाँ क्या हो गया है तुम्हें? नेहा बस करो। ओके क्या हुआ? मम्मा! देखिए ना सुनीता भाभी क्या हो गया है इसे। मम्मा? नेहा पागल है क्या ये? नहीं ऐसा मत कहिए, पागल नहीं है वो, बस ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया इसे।
अवकाश है नेहा, इधर आओ मेरे साथ, आओ ना। नेहा क्या हो गया है तुझे? दीदी क्या हुआ है नेहा? हाँ क्यों हंस रही हो? नेहा क्या हुआ? नेहा क्यों रो रही हो? सब क्या सोचेंगे नेहा? एक बात बता, तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या? मुझे भूख लगी है। अच्छा अच्छा नेहा नेहा मुंह दिखाई के बात खा ले रहा, सब इंतजार कर रहे बेटा। चलो क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? नहीं जी कुछ नहीं, बस आ ही रहे हम, जल्दी लेकर आएंगे। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। नेहा होश में आओ, ऐसा नहीं करते। मेरी बात ध्यान से सुनो, वहां जाकर चुपचाप बैठोगी, किसी से कुछ नहीं बोलोगी, समझी? हंसोगी भी नहीं, रोओगी भी नहीं। देखो ऐसा कुछ मत करना जिससे वहां पे सब लोगों को बुरा लगे। तुम बहू हो, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम अच्छी बहू बनना है ना, हाँ तो चुपचाप चलो मेरे साथ, चुप। कहाँ से मिली आपको ये बहू? भाई अमन की पसंद है, अब बच्चे खुश तो हमें और क्या चाहिए। बड़े अरमान थे हमारे मुंह दिखाई की रस्म के, ये खूब गाना बजाना होगा। बिल्लू की बहू की रस्म याद है, कितना मजा किया था। ऐसी गुणवंती और सुशील बहू, क्या गाना गाया था, समा बांध के रख दिया था उसने। मैं भी गाऊंगी। नहीं बेटा, दादी जी मैं भी गाऊंगी। रहने दो, क्योंकि मैं हूं नंबर वन। नहीं नेहा। हाँ हाँ गाओ, सुनाओ इन सब का। अब अमरी बहुरिया एक बहुत अच्छा गीत सुनाइए। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं हूँ नंबर वन। नेहा मैं डांस भी करूँगी और मैं गाना भी गाऊंगी। पागल हो गई है क्या? शर्म आया सब छोड़ दी इसने। नेहा, अमन, ये सब क्या हो रहा है? नेहा तुम क्या कर रही हो? डांस हो रहा है। तुम ही करोगे? अच्छी मुंह दिखाई हो गई आज तो, लाश शर्म का तो सारा पर्दा ही उठ गया। तुम मेरे साथ डांस करो। चुप बैठ, बहुत हुआ। मुझे डांस क्यों लगा रहे हो? डांटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे अमन? मुंह दिखाई में किसी की भी बहू इस तरह से नाचती नहीं है नेहा। अच्छा पर मैं नाचती हूँ। नेहा तुमने कोई गलत चीज तो नहीं खा ली? अपनी दवा की जगह कोई गलत दवा तो नहीं खा ली नेहा? हाँ मैं तो दवाई नहीं खाई, मैं भूल गई। मम्मा आपने मुझे बोला था ना कि शादी के बाद दवाई का नाम मत भूलना। दवाई? कौन सी दवाई? पता नहीं, मम्मी देती है, मैं खा लेती हूँ। नहीं चलो। माफ कीजिएगा समधन जी, पता नहीं नेहा को क्या हो गया है, पहले कभी उसने ऐसे नहीं किया, शायद दवाई भूल गई है। इसे कब तक चलेगा सुनीता भाभी? उसे समझना चाहिए, वो अब आपके घर में नहीं है, हमारे घर की बहू। पता नहीं क्यों आज इस तरह का तमाशा क्यों किया है उसने।
हम क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाएं उसे, सबके सामने हमारी क्या इज्जत रह गई आज। मैं जाकर बात करती हूँ। बात करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा गायत्री बहन, हम लोग चलते हैं, शायद आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे कैसे चली जाओगी, कुछ खा पी के जाना। अब बहू की तबीयत का क्या कहें, कह रहे हैं ना दवा लेना भूल गई। दवा नहीं खाते तो ऐसा रूप होता है क्या? बाप रे, कैसे रहेंगे आप लोग ऐसी बहू के साथ? अब जाने बिठो, चलो मैं आती हूँ। मैंने कहा ना चुप हो जाओ, चुप। कुछ तो बात है, नेहा ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। सुबह से तो ट्राई कर रही थी कि किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, और अब इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करेगी? नेहा तुमने वो दवाई कौन सी? नेहा तो सब मल्टीविटामिन्स हैं, इन्हें लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ इसे? तो सो गई। इतनी जल्दी कैसे सो गई? तबीयत ठीक है ना दीदी? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया। आज सुबह ही मेरी इससे बात हुई थी, कह रही थी अपने काम से सबको खुश देखना चाहती है और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है इसने, शादी पे इतनी हड़बड़ी में हुई, एग्जाम स्कूल में बंद होना, सबकी नाराजगी। बेटा माफ कर दो, पता नहीं नेहा को क्या हो गया। क्या पता नहीं क्या हुआ है, तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे नेहा ने यह तमाशा पहली बार किया हो। भूल गए क्या उसकी हरकतें? याद नहीं माता के जागरण पे कैसे नाची थी, और दिवाली पे तो रंग उड़ा उड़ा होली मना ली थी, शादी पे तो भाग ही गई। कोई भी कार्यक्रम हो नेहा की हरकतें तो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। हैरानी से क्या देख रहे हो, कुछ गलत कहा हमने क्या? तुम लोगों से ज्यादा कौन जानेगा इसे, ये दिमाग की कच्ची है। शादी कर दी बेकार जल्दी में उसकी, हमने तो पहले ही कहा था, पर हमारी बात सबको बहुत बुरी लगी तो हमने कहा ठीक है भाई, अब सबकी इसी में खुशी है तो ठीक है। अब जो भी हो, दवा या 12 साल की बीमारी, वजह जो भी हो, असर तो है। कामी जी माना नेहा से गलती हुई है, लेकिन छोड़ो सुशीला, अब क्या फायदा सोचकर। कुछ भी हो, अब नेहा हमारी बहू है, उसे तो हम संभालेंगे, घर में भी और मेहमानों के सामने भी। पर आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप उसे आराम करने दो, कोई सवाल ना पूछो उससे, ना गुस्सा करो और ना उसे हैरान करो, बस थोड़ी देर सोने दो, दिमाग ठंडा होगा तो शायद ठीक हो जाए। जी दूध। आई मुंह क्यों लटका है, अब क्या हुआ? क्या कहें माँ जी? आई तुम कहोगी भी क्या, दुख तो इस बात का है कि अमन नेहा के फेरे होने तक हमने तुम्हें रोका कि किसी तरह ये शादी ना होने दो। क्या होने वाला है उसकी चेतावनी दी थी हमने तुम्हें, पर तुमने हमारी नहीं सुनी। अब हमारा ये घर क्या, अमन की जिंदगी बर्बाद करके रखती उसने,
अरे वो तो बच्चा था, नहीं समझा, लेकिन तुम अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ जी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे होगा। अब जाने दो गायत्री, तुम्हारी बहू जैसी है वैसी ही रहेगी, यही हमारी किस्मत में बंधा था। अब सोच लो, जैसे उसके घर वालों ने अपना लिया, अमन ने अपना लिया, वैसे तुम भी उसे अपना लो बस। अरे बस इतनी मान गए तू? तेरी अकल घास चरने गई है क्या? ज्यादा मत बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए वरना सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। पहले तो हम रोक नहीं सके, उस छोकरी ने हमारे घर में अपना डेरा डाल ही लिया, लेकिन कामिनी से बैर लिया है उसने, काल कट जाए और ये चावल ना निकला जाएगा हमसे। सो तो है, वैसे कल पगफेरे की रस्म की बात होत रही, का सोचा है सेठानी? ये तो कल ही देखना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नेहा को हुआ क्या था, ऐसा कभी नहीं किया उसने। पहले तो हंसने लगी, फिर मैंने उसे टोका तो रोने लगी, फिर सबके मना करने पे भी नाचे जा रही थी, जैसे कि खुद को होश ही नहीं था कि क्या कर रही है वो। जरूर उसने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, उसी का असर उसके दिमाग पर हुआ होगा। ऐसा वो क्या खाएगी मम्मी? मुझे तो लगता है नेहा अभी भी बचपने में और जिम्मेदार होने में फर्क ही नहीं कर पा रही है। मामी जी का फोन है। मामी जी? हाँ मामी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या, कब, कैसे हैं मामा जी? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आप परेशान मत होइए, मैं माँ को बता दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा नमस्ते, रखते हैं। आनंद क्या हुआ? माँ वो मामा जी को हार्ट अटैक आया। नहीं नहीं ठीक है, वो हॉस्पिटल में। आनंद मुझे ले चलो वहाँ प्लीज। हाँ माँ चिंता मत करिए, हम आज रात की गाड़ी से ही बिजनौर चल रहे हैं, है ना माँ? तो चलो चलो। अमन, अमन मुझे खाई की रस्म खत्म हो गई क्या? और मैं रूम में कब आके सोई? और रात भी हो गई और मुझे पता ही मैं सोई कब? और तू मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कि फंक्शन हो गया? सब कुछ हो गया, जाके सो जाओ। अमन नेहा प्लीज, मुझे यहाँ तो कम से कम शांति से रहने दो। दादी जी माँ के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्यों? क्यों क्या मतलब? तुमने किसी के सामने बात करने लायक नहीं छोड़ा। मैं सोचता था कि लोग जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो तुम बदलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन नहीं, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम वही नेहा हो जिसे वो बच्ची समझते थे, जो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। पर मैंने किया क्या, हुआ क्या, मैंने कहा क्या? नहीं तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं मुझे याद है, मैं रेडी हुई थी मुंह दिखाई के लिए, फिर मुझे नीता लेने आई और फिर मैं रूम में कब आई सोने, मुझे याद क्या हुआ? नहीं सीरियसली तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुमने आज क्या किया? मैंने क्या किया? यहाँ आज मुंह दिखाई के दिन तुम लोगों पर हंस रही थी, वहाँ डांस कर रही थी, तुम जाती हो, मुंह दिखाई के दिन एक बहू घूंघट के अंदर रहती, लेकिन नहीं तुमने इस बात का तमाशा बना के खड़ा कर दिया हम सबका। आखिर तुम्हें हो क्या क्या था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें होश भी नहीं थी। होश में नहीं थी? तुमने कोई मेडिसिन नहीं ली थी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ? नहीं मैंने मेडिसिन तो खाई थी, और मैं मेडिसिन नहीं खा थी तो ऐसे सब कुछ तो नहीं होता। मैंने ऐसे सब किया क्या?
माँ तो मुझसे बहुत नाराज हो गई होगी और हिटलर दादी तो मुझे बहुत डांट लगा। मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छी बहू जैसे बिहेव करूं और सब कुछ अच्छा अच्छा करूं और मैंने ऐसे सब कर दिया तो मुझे बहुत डांट पिटने वाली है ना। नहीं, मैं ऐसे क्या करती हूं? मैं कुछ करने जाती हूं, हमेशा मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूं। पता नहीं अब मुझे बहुत डांट पिटने वाली है। अच्छा चुप, रोना नहीं। तुम अलग नहीं है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम मेरी बीवी हो, तो अब जो कुछ भी होगा वो तुम अकेले नहीं, हम दोनों साथ में फेस करेंगे। तो फिर रोना नहीं। चलो अब प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद रोज अपनी मेडिसिन लोगे, कभी भी स्किप नहीं करोगे। प्रॉमिस। गुड, चलो स्माइल करो, अच्छे से स्माइल करो, नहीं तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। वेरी गुड, कल पगफेरे की रस्म है इसलिए दीदा ने इनवाइट किया। देखो कितनी बड़ी स्माइल आ गई। अमन, हिटलर दादी तो बहुत नाराज होगी होंगी ना। कोई गुस्सा नहीं है, उल्टा दादी जी ने ही सब कुछ संभाला है, इस बात को बढ़ने नहीं दी। हिटलर दादी ने, हिटलर दादी तो बहुत अच्छी है, फिर मैं ऐसी उन्हें हिटलर दादी बोलती हूँ। अब बहुत देर हो गई, जाकर सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी। भूख लगी? तुम्हें कैसे पता? सब जानते। हाँ, इतनी फेवरेट चॉकलेट है। अरे मेरे लिए रखी थी। और किसी लिए रखूंगा? मैं जानता हूँ कि बुखड़ को कभी भी भूख लग सकती है। इससे पहले कि वो मेरा भेजा खाए, मैं चॉकलेट खिलाऊं। तुम भी गंदे हो ना। मैं सारी चॉकलेट अकेले खाऊंगी। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया। गायत्री, नेहा नीचे नहीं आई, क्या बात है? माँ जी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए उसकी चाय हमने कमरे में ही पहुँचवा दी और उसे तैयार होने के लिए भी कह दिया है। उसे पगफेरे के लिए जाना है ना, इसलिए तैयार हो रही होगी। ये लो, आ गई तोरी बोरिया। गुड मॉर्निंग दादी जी। मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग जयंती मौसी। कैसी तबीयत है अब बेटा? ठीक है दादी जी। माँ, मुझे अमन ने बताया कि कल मैंने कैसे बिहेव किया मुंह दिखाई पर। मुझे सच में याद नहीं कि मैंने ऐसे क्यों किया, कैसे ऐसे बिहेव किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सबके सामने मैं ऐसे नाची गई। I'm sorry। वाह बा, कल तुम सब लोगों पे हसत रही। आई होता है ना, कह रही है ना जानबूझ के नहीं किया, तो मान लो झूठ थोड़ी बोल रही है। सुबह का भूला घर आ रहा है तो अच्छी बात है ना। दादी जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। चलो ठीक है नेहा, दादी जी ने कह दिया ना कि सब खत्म, अब जाओ, वहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
नेहा, माना कि अपने घर जा रही हो, पर शादी के बाद पहली बार जा रही हो, थोड़ा सज धज के जाओ, गहने वहने पहन लो थोड़े, हमारे घर की बहू हो तुम, डब्बों में धर के अचार डालोगी उनका क्या? मौका है पहनो। हाँ नेहा दादी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गोयल परिवार की बहू हो, बाहर निकलोगी तो सब देखेंगे क्या पहना है क्या नहीं पहना है। जी मैं आई पहनकर। आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। अमान, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट और जगमग नहीं लग रहा? नई नवेली दुल्हन ऐसे ही लगती है। अरे अमान, अमान बाइक से जाएं? बाइक से? लेकिन तुम्हारा घर तो पास में ही है। हाँ, लेकिन पहले जब मैं जाती थी ना तुम्हारे साथ बाइक से, तो सब ऐसे घूर घूर के देखते थे। लेकिन अब मैं जाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा कि वही लड़का मेरा लाइफ पार्टनर है। प्लीज ना। कभी कभी ना बच्चों जैसी बातें करते। बच्चों जैसी सी, पर हम बाइक से जाएंगे प्लीज। ठीक है, चलो। तुमने दवाई ले ली? हाँ, मैंने दवाई ले ली। कैसी है तबीयत तेरी बेटा? हाँ मम्मा, लेकिन सब कहाँ है मम्मा? दीदा, पापा, शगुन भाभी, आ जाओ, मैं आ गई। अकु कहाँ है सब? उन्हें जरा बाहर जाना पड़ा। कहाँ? तुम्हारे बिजनौर वाले अर्जुन दादाजी है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, एडमिट किया है उन्हें हॉस्पिटल में, इसलिए तुम्हारे पापा दादी को लेकर गए हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया था। दादाजी ठीक है? घबराओ मत, वो ठीक है। बेटा पानी लेकर बैठे ना। संदीप भी साथ गया? नहीं, संदीप तो बस आ ही रहा है। मुझे भी आपको पता था ना मैं आने वाली हूँ अभी, तो अभी क्यों बाहर गए? वेरी बैड। आज उसका इंटरव्यू है ना, तो बस देकर आ ही रहा है। इंटरव्यू? हाँ, एक कंपनी में जॉब के लिए। क्या मोटू भैया पापा के साथ दुकान में नहीं बैठेंगे? मम्मा मुझे फिर किसी ने कुछ नहीं बताया ना। दीदी वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और आपकी शादी थी तो। अक्कू तू जीजाजी के साथ बैठ, मैंने वो जो साड़ी खरीदी है ना नेहा के लिए, मैं वो उसे दिखा देती हूँ। एक मिनट आ तो नेहा मेरे साथ। बैठिए ना। आइए चीचू, बैठिए बैठिए। चीचू अब दीदी ठीक है ना? कल से हम लोग बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि दीदी ने पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। हम सब भी हैरान थे। दादी जी और आंटी दीदी से नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, वो जानते हैं कि नेहा कोशिश कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना चाहती है, वो उसके सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट दादी जी तो नेहा को कहा है कि इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन नेहा को आगे केयरफुल रहना होगा, आखिर कब तक सपोर्ट करेंगे? हाँ, मम्मी को भी इसी बात की टेंशन है, कल से परेशान है वो दीदी को लेकर। क्या हुआ नेहा, कुछ तो बोलो। मम्मा मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद, मैं एकदम ब्लैंक हूँ। मुझे जो कुछ भी हुआ था वो अमन ने बताया कि मैंने क्या क्या किया था। तुझे किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया, नॉर्मल खाने के अलावा, या कुछ पिला दिया हो किसी ने? नहीं, जो सब लोगों ने खाया पिया मैंने भी वही लिया, अलग से तो कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ दिया तो नहीं, मिठाई या कोई शरबत? नहीं मम्मा, सॉरी ना, सीरियसली सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं याद, मैं एकदम ब्लैंक हूँ। और मुझे पता है मैंने आपको बहुत टेंशन दे दी ना। हाँ, घर पे भी सब लोग ने बहुत टेंशन ली और सब मुझसे बोल रहे थे बार बार कि दवाई लेना भूल गई, तभी ऐसे हुआ ना। लेकिन मम्मा दवाई तो वाइटमिन वाली है ना। अच्छा, अब तो इतना मत सोच, जो हो गया सो हो गया, पर आगे से ध्यान रखना। हाँ बेटा, अब तो एक पत्नी है, बहू है, धीरे धीरे काफी जिम्मेदारियां आएंगी तुझ पे,
सब मन लगा के तुझे काम करने होंगे। खाना अच्छे से बनाना होगा, घर की साफ सफाई अच्छे से करनी होगी। हाँ। यहाँ पे तो तू सब पटक के चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। नहीं। और ये तेरे गहने हैं ना, बहुत महंगे हैं। उसे अच्छे से लॉकर में लॉक करके रखना। हाँ, मैं लॉक करके रखूंगा। मुझे पता है तू बहुत समझदार है, सब संभाल लेगी। हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस प्लीज टेंशन मत लो। अच्छा मम्मा, लेकिन मैं आपको बार बार फोन करती रहूंगी क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी दाल कौन सी सब्जी में कौन सा तड़का, बहुत कंफ्यूजिंग है। और रसम वगैरह के लिए भी मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप प्लीज मुझे बता देना। हाँ, सब बता दूंगी, कुछ भी कभी भी पूछना बता दूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि गायत्री भाभी और माँ जी को कभी भी किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। अब तू ही उस घर की इज्जत है, और अपने पति का ख्याल रखना। किस्मत से मिलता है ऐसा पति। आपको पता है क्या, अरे अमन, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ, हम तुम्हारी बुराई कर रहे थे। अच्छा, क्या, क्यों, बताओ। बेटा आओ ना, बैठो। हाँ, नहीं, मैं सोच रहा था कि अब चलना चाहिए। क्यों, मैं अभी तो आई, अभी तो मैं बैठी भी नहीं किसी के पास। मैंने मम्मा आपसे भी गप्पे नहीं मारी, अक्कू के पास भी नहीं बैठी। काम करो, तुम रुक जाओ, जी भर के सबसे बात कर लो, मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हें ले जाऊँ। ठीक है। ऐसा नहीं बेटा, साथ में आए हो तो साथ में ही जाओ, खाना खा के चले जाना। नहीं मम्मी जी, इसे रुकने दीजिए, मुझे वैसे भी कुछ काम है। बेटा कौन सा हमारा घर दूर है, नेहा जब चाहेगी आती जाती रहेगी। अभी शादी हुई है तो ऐसा ठीक नहीं लगता, सब क्या कहेंगे, बेटी मायके में आके बैठ गई। नेहा, अब तुझे हमेशा अपनी सास और दादी की इजाजत लेकर आना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं चलते बेटा। ठीक है। अक्कू, खाना परोस लो, बातें हम खाना खाते वक्त भी कर लेंगे। चलिए आइए। चलिए। नेहा, तुम्हारा थोड़ी देर रुकने का मन था ना, खुशी होती, फिर चले जाएंगे। अभी तुम आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं भी आता हूँ। हाँ, कब तक आओगे? एक घंटे में। जल्दी आना, मुझे मिस करो। जी नहीं, जाओ, बाय। ठीक है, बाय। वाहे बा, आ गई बहुरिया, हमका तो लागत रहा कि आज शाम तक तुम मायके में ही रह जाइए। नहीं, मम्मा ने बोला था कि सबसे पूछ कर ही रुकना, मैं आ गई। लॉकडाउन में क्या करूँगा, चाबी भी अमन के पास है, यहाँ पे रख देती हूँ मैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं रख सकती, मामा ने बोला था जिम्मेदारी संभाल के रखूँ, मैं क्या करूँ, माँ को दे दूँ। हाँ, मैं माँ को दे देती हूँ। अरे बा, कहाँ जा रही हो बोरिया, ये लो पानी धर दिए। थैंक यू। जल्दी मौसी, मैं सोच रही थी कि गहने ना मैं माँ को दे दूँ। भारी बा, जिच्ची तो सोबत है, तुम कहीं संभाल के रख लो। वही तो, मैं कहाँ रखूँ, कबर्ड लॉक्ड है, अमन के पास चाबी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ, और मैं ऐसे भी नहीं रख सकती, तो मैं सोच रही थी मैं माँ को दे दूँ। अब जहाँ भी रखो संभाल के रख लो, सो मत जाइयो, मोहल्ले में चोरी बहुत होबत है। मैं क्या करूँ, आप रख लो। ना बाबा ना, अभी ही त्योहार है, ऊपर से सोना है, बाबा हमका तो डर लागत है, अगर चोर आ गया और हमरा गला काट कर ये सब लेकर चला गया तो, अगर बिच्छू खो गई तो सेठानी तो हमरा टेटुआ दबा के हमका मारी डालिए। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ रखूँ। वारे बा, इतना बड़ा कमरा है तुहार, कहीं भी रख लो। ऐसे नहीं रख सकती ना, सेफ नहीं है, मम्मी ने बोला था जिम्मेदारी है। पहले तो मैं मम्मी के पास रखवा देती थी, कोई टेंशन ही नहीं होती थी, वही संभाल के रखती थी सब कुछ। ये सही है, तुम एक काम करो, दौड़ के जाओ और अपनी मम्मी के पास जाकर रख दो, और बाद में सास को डांट दे देना। ये सब अब सोच लो, और कोई रास्ता बची है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। अब ठीक है, मैं मम्मा के पास रखवा देती हूँ,
और फिर जब चाहिए होंगे तो मैं उनसे ले लूंगी और माँ को दे दूंगी, है ना? ठीक है। थैंक यू जयंती मौसी। मम्मा, अक्कू, सूरज, मम्मा का, दादी का है? दादी अक्कू बुआ के साथ मार्केट गई हैं। मैं क्या करूं? क्या हुआ निन्नी बुआ? अरे अभी डॉर में हो गए। दादी आए ना तो दादी को बोलना कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सामान उनके कबर्ड में रखा है, भूलना नहीं, ठीक है? कौन हुआ क्या? बारे बासे धनी, मान गए तुमका? सबका गुरु गोवर्धन दास। हिली लकड़ी है, जल्दी कट जाएगी, बस एक कुल्हाड़ा पड़ने दे।